Yes, yesterday we have started that. What are the causes of less participation of women in sports? उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो गर्ल्स के इंडियन या नॉर्मल हमारे यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के कारण परमिट जो है वो नहीं करते हैं। आम जो फैमिलीज जो होती हैं वो बच्चियों के लिए या उनका थॉट प्रोसेस में यह है कि वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क में ही बेटर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने घर का ही संभालना है। अगर हम शुरू से देखें तो एंशियंट ओलंपिक में भी यही रीजन था कि पहले लेडीज को परमिट ही नहीं किया गया था, रादर टू इवन टू स्पेक्टेट या वॉच करने के लिए भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी। ठीक है ना बेटा, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, इनमें आया। दूसरी बात थी डाइट की, तीसरी उनकी सिक्योरिटी की कि सिक्योरिटी जो है वो लेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स या किसी छोड़ के आना, दोबारा लेके आना, शाम के समय नहीं जाना या कई ऐसी चीजें हैं हमारी जो हम परमिट नहीं करते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। उसके बाद फाइनेंशियल, वी डोंट वांट टू टेक, और ये कह सकते हैं कि उनके इक्विपमेंट्स इतने अगर महंगे हैं तो वो लेके नहीं देने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स घर में होनी। फिर हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द गर्ल्स और फीमेल्स, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस होती हैं सोसाइटी का। फिर कोचिस का ना मिलना, प्रॉपर कोचिस का, एक्सप्लॉयटेशंस हैं कंपैरेटिवली, ये सारी चीज़ें हरासमेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप की। इसलिए जो विमेन्स का या गेम्स में जो था वो लेस पार्टिसिपेशन रहा है और ये अभी भी 45 पॉइंट कुछ% तक है ऑल ओवर वर्ल्ड की जो विमेन्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में। इसके बावजूद मैंने ये बताया था कि इस बार के ओलंपिक में 3 मेडल जो हमारे कंफर्म हो रहे हैं, जैसे पीवी संधू का भी जो है वो भी सेमीफाइनल में पहुंच गई, इसका मतलब उसका एक मेडल पक्का है। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या है, धीरे धीरे एरा चेंज हो रहा है, समय बदलता जा रहा है और लोगों में ये जो डिफरेंसेस थे वो कम होते जा रहे हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे कुछ फीमेल एथलीट ट्राइब के बारे में करेंगे बेटा। ये हैं प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली लेडीज जो हैं या फीमेल्स जो हैं वो फेस करती हैं। ठीक है ना बेटे, इसमें सबसे पहला है जो है वो मिनार्क है। द फर्स्ट ब्लीडिंग इन द वुमेन्स इन अ टीनेज, ठीक है। उसके साथ उसमें जो डाइट की या नॉर्मली बॉडी में कमियां आ जाती हैं जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से मेल या मस्कुलिन की होती है। ठीक है, यहाँ पर भी मैटर करता है डिफरेंसेस। देन द डिसऑर्डर ऑफ दिस थिंग, एमरो बोलते हैं जिसे, ये डिसऑर्डर ऑफ ब्लीडिंग इन द लेडीज है। उसके बाद आता है हमारा इनके लिए कंडीशंस जो है वो है सिंड्रोम है ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर के अंडर क्या होता है बेटा, एक वर्ड आता है बुलिमिया, ठीक है, और दूसरा आता है नर्वसा एनोरॉक्सिया। ये दो चीजें क्या हैं, ये आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल ज्यादा है मोटे नहीं होना है, हमने पतले रहना है। पतले रहने या मोटे रहने में देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पतले रहने में, एक होता है कि अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करके स्लिम रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फिट बॉडी। एक होता है एक्टिविटी भी हमने नहीं करनी है और खाने में भी हमने कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, प्रोटीन लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, या क्या होता है हम बिंज ईटिंग करते रहते हैं और उसके बाद हम वी ट्राई कि हम जो मर्जी खा लें एंड वी आर्टिफिशियली और इनडायरेक्टली वी स्टार्ट वॉमिटिंग।
कि हमने खा लिया, हमारी तसल्ली ब्रेन की भी हो गई है, हमारे पेट की भी है, अब हम ऐसे करते हैं जैसे हम बाहर निकाल देंगे तो हम मोटे नहीं होंगे। दीज आर योर मिथ और अ माइंड सेट। ऐसा नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यू साथ के साथ होती भी रहती हैं, ठीक है ना। दूसरा है कईयों में ये होना कि मैंने ये खाना ही नहीं खाना, डाइटिंग नहीं बाकी चीज़ों के साथ भी खेल करना कि मैंने ये खाना नहीं है या इतना ज़्यादा खाना है या सिर्फ पानी पीना है या मैंने ये कर देना है, ये जो है ये नॉर्मली ईटिंग डिसऑर्डर्स है। ये आमतौर पर आजकल किए जा रहे हैं अपने को स्लिम रखने के लिए, चाहे वो गर्ल्स हैं उनका यही है मेनली, और बॉयज में भी ये है कि बैठ के पहले टीवी देखते रहो, खाना खाते रहो खाते रहो, उसके बाद जाकर खाना खा लिया, अब मेरे को लग रहा है कि मेरा पेट और ब्रेन जो है वो सेटअप हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हार्डली 3 से 4 मिनट जो होते हैं भूखे अगर हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईटिंग के लिए गैप अगर दे दें तो हमारा माइंड इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं करता या नहीं करता, ठीक है ना। ये माइंड सेट के ऊपर होता है। ऐसे ही अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा छोटे बच्चे को अगर फीड दे रहे हैं कंटिन्यू बॉटल फीडिंग दे रहे हैं या कुछ है, वो अगर एक बार में जितनी ले ली उसके बाद अगर उसे भूख भी हो गई तुम दोबारा दोगे वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है उसे, ठीक है। ये माइंड सेट है। इसके बारे में इसमें कहा गया है कि लुमिया और एनोरेक्सिया नर्वसा जो है उसके अंदर हमारा माइंड सेट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खा लें, वॉच करते हैं जो भी हमें भूख है उसके बाद हम उसे वॉमिट करते हैं आर्टिफिशियल वे से, जैसे वॉमिटिंग लोग करते हैं वैसे कर दो तो हमें ये लगेगा हमने खाया नहीं, जैसे हमारे पेट को पता चल गया ओहो ये तो बाहर निकल गया मैंने, नॉर्मली हम करते ये है। एनोरेक्सिया में क्या होता है, हमने लिमिटेड चीज़ें कैल्शियम नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी एक ट्रायड के अंदर आती हैं। फर्स्ट है ईटिंग की, ईटिंग डिसऑर्डर होना, मेनार्क है, एमरो है, उसके बाद है ऑस्टियो की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम। आफ्टर 14 और 45 लेडीज की बोन की डेंसिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। आपने इसके लिए एड्स भी देखी होंगी कि ये लिया करो, ये वाली मेडिसिन लिया करो, इससे हमारी बोन, क्योंकि हमें भी पता है जब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम कम होता है फिर वो बॉडी जो है वो हड्डियों से ही लेना शुरू कर देती है, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो होती है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है फिर वो शरीर से ही जितनी स्टोर होती है वहां से निकालने शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें हर चीज की डाइट की पूरी केयर करनी चाहिए, इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास जो है वो है हमारा कि हम इन चीजों से कैसे हट सकते हैं, लुमिया या जो नर्वसा है इसके क्या लॉसेस हैं, और हमें कैसे, हमें फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी, प्रॉपर बैलेंस डाइट पर जोर देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ वर्क करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मैंने फर्स्ट डे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने 3 वर्ड लिखे थे और मैंने कहा था कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हरी वरी एंड करी। ये हमारी पूरी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी। हमें जल्दी कब होती है, जब हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। हमारे पास टाइम कब शॉर्ट होता है, जब हमने उसको मैनेज नहीं किया होता। जब हम जल्दी कब होती है, हमें हमेशा तभी होती है जब हमने टाइम को मैनेज नहीं किया है। टाइम मैनेजमेंट में लैकिंग जो है वो हमें जल्दी, हमारी जल्दी का कारण बनता है। मुझे पता है कि मैंने 7 बजे अगर स्कूल जाना है या मेरा रीचिंग टाइम 7 o'clock है और मेरे घर से डिस्टेंस एटलीस्ट 15 मिनट लेता है तो मैं 7 बजे निकलना, सॉरी अगर 7 बजे का स्कूल है तो मैं 6:30 निकलूँ। आई मस्ट कीप द गैप कि अगर 5 मिनट मुझे लाइट्स पे या 7 मिनट खड़ा भी होना पड़े
तो मैं वहां पर आराम से टाइम पर पहुंच सकती हूँ। अदरवाइज क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, यू स्टार्ट ब्रेकिंग योर लॉस। रेड लाइट है, कोई सामने से तो दिख नहीं रहा है, मैं चला देता हूँ, और बाय चांस कोई आ गया तो सारा काम वहीं पर खत्म। ये है हरी, मिसमैनेजमेंट के साथ शुरू होता है। वरी, टेंशन तभी होती है, स्ट्रेस लेवल तभी बनता है जब हमने काम, मान लो अब इसका लाइव एग्जाम्पल तुम बच्चों का ही लेते हैं जो जनरल एग्जाम्पल है। मैडम बोल रहे हैं कि मुझे प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल फाइल चल रही है, ठीक है ना, हम नॉर्मली बात करें। यू आर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सैटरडे को दे देंगे, मंडे को दे देंगे, अभी तो अवेयर मैडम ने नेक्स्ट वार्निंग नहीं दिया है, नेक्स्ट नहीं दिया, कर लेंगे। और जिस दिन होता है बाई चांस उस दिन और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे लिए सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। प्रेशर जो है वो माइंड पर, और माइंड का प्रेशर जो है वो तुम्हारी पूरी बॉडी में आता है, जिसके कारण अगर आप लिखना भी चाहें, अच्छा भी करना चाहें, शॉर्टेज ऑफ टाइम, बॉडी की एक्सेप्टेंस नहीं है, माइंड का जल्दी जल्दी काम को करने के लिए बोलना, वो सारी चीजें तुम्हारे हर काम को, तुम्हारी एफिशिएंसी को कम कर देता है, और तुम प्रॉपरली काम नहीं कर। इसलिए हर काम को उसके टाइम पे करो, बेस्ट भी रहेगा, टेंशन फ्री भी रहोगे, तुम्हारी हेल्थ पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड यू विल गिव द मैक्सिमम आउटपुट। समझ में आ गया? बड़ी कदम करी का मतलब है यहाँ पर फूड से। फूड इज अ मेजर कॉज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, बाहर गए थे, ये खाना खा लिया है, ये जंक फूड खा लिया है, ये खा लिया, ठीक है, वंसे ने वाइफ खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इतना सहन कर लेती है। लेकिन जहां पर सारा ही गंद हो तो वहां से साफ चीजें कहाँ से आएंगे, नहीं ना आ सकते। खाना खाया है पर प्रॉपर नहीं है, उसका बैड इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारी बॉडी पर पड़ता है। किस पर पड़ता है बेटे? बैड इम्पैक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर हमेशा पड़ता है जब हम प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, और वो बैड इम्पैक्ट जो है वो कई तरीके की शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए बीमारियों को वेलकम करते हैं, ठीक है। आम हो जाता है, खाना खा के बाहर आए, ओहो हमारा जो स्टमक है वो अपसेट हो गया। यू आर यूटिलाइजिंग मैक्सिमम योर टाइम इन अ वॉशरूम, तुम्हारा वो टाइम क्या हो गया, वर्किंग के टाइम में से माइनस हो गया। माइंड पर प्रेशर भी है, और प्रेशर जो है वो तुम्हारी डिजीज को या तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय उसे हो जाएगा प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना बेटा? These all things are correlated and interlinked. इसलिए जो कहावत बनी थी ना, या जो बड़े लोग कहते थे, उसका सही उपयोग अगर किया जाए तो समय पर उठना, early to bed and early to rise makes a man. No doubt, ये change हो गया है, बच्चे यही कहते हैं, ये pattern अब change हो चुका है, ठीक है। IT's में जो है या दूसरे हैं या पढ़ने का या चैट करने का, तुम्हारा हर टाइम को चेंज हो गया, तो कहाँ पर नुकसान हो रहा है? हमारी बॉडी को हो रहा है, क्योंकि द बॉडी इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रेस्ट विच इज रिक्वायर्ड एट मोस्ट। हमारी बॉडी को जितने रेस्ट की जरूरत है हम उसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वेयरिंग और टेयरिंग ऑफ सेल्स जो है वो दोबारा प्रॉपर नहीं रिपेयर हो पाते हैं, हमारी बॉडी रिज्यूमिनेट नहीं हो पाती है, एनर्जी को नहीं ले पाती है, जिसके कारण हम आउटपुट नहीं दे पाते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? सो दिस इज द मेन थिंग कि हमें अपने हर काम को किस तरीके से करना है, किस टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, और उसकी कैसे आउटपुट देना है। इसके लिए प्रिपेयर होना, फिजिकल एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। वेयर यू आर शोइंग द स्लैकनेस और द लेजीनेस और लेथार्जिक एटीट्यूड, तुम्हारा सारी की सारी प्लानिंग जो है वो जीरो हो जाए। इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? इज इट क्लियर? दैट इज ये चैप्टर जो था तुम्हारा